good morning to all of you, and I welcome you once again to my channel. Join my Telegram group Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College. It is a constituent college of University of Allahabad, and my lecture will be in bilingual mode, Hindi as well as in English. Do subscribe my channel, and this video will be useful for teaching examinations. Okay, so today's topic is an emotional development. Samvegik Vikas. Emotional development of the learner, ऐसे करके रहता है topic. अब इसमें अब चूंकि learner किस stage का है ये clarify नहीं है, इसलिए हम infancy से लेके adolescent तक emotions का development देखेंगे. तो ये एक बहुत important concept है, important stage है development की, और हम किसी भी विषय क्षेत्र से संबंधित हो, ये एक रोमांचक विषय हो सकता है जानने के लिए कि कैसे संवेगों का विकास होता है. तो शुरू करते हैं, सबसे पहले इमोशंस की ही बात करते हैं. अच्छा, आपको बता दूं कि एक अंडरस्टैंडिंग इमोशंस का मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूं, तो आप इसको पहले देख लेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए. फिर भी मैंने एक क्विक रिव्यू किया है इमोशंस पर. तो इमोशंस को कैसे कैसे बात की जाए, साइकोलॉजी में इमोशंस का क्या मतलब होता है, लेमैन में तो हम समझते हैं इमोशंस को, पर साइंस क्या है उसके पीछे. अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA, इन्होंने कैसे इमोशन को डिफाइन किया है. इमोशन इज डिफाइंड एज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पैटर्न. मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इतना आसान नहीं है जितना हमको प्रतीत होता है. इन्वॉल्विंग एक्सपीरियंशियल बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स. मतलब इसमें हमारा अनुभव भी आता है, व्यवहार भी आता है, और साइकोलॉजी भी इन्वॉल्व है. इमोशंस आर हाउ इंडिविजुअल्स डील विद मैटर्स और सिचुएशंस दे फाइंड पर्सनली सिग्निफिकेंट. क्या कह सकते हैं हम कि संवेग क्या है, कि व्यक्ति जब उसके सामने कोई मसला आता है, कोई सिचुएशन आती है, कोई स्थिति आती है जिसको कि वो पर्सनली सिग्निफिकेंट समझता है, मतलब उसके लिए महत्वपूर्ण है, तो कैसे इंडिविजुअल डील करता है, वही इमोशन है. देन इमोशनल एक्सपीरियंसेस हैव थ्री कॉम्पोनेंट्स. मतलब हम ये बता सकते हैं कि कोई भी इमोशन जो हम फील करते हैं उसके तीन कॉम्पोनेंट्स या घटक हो सकते हैं. कौन कौन से? अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, यानी कि हमने उसको कैसे परसीव किया है तभी तो हम रिएक्ट करेंगे. अ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स का मतलब कि जब हम डरते हैं तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, मतलब फिजियोलॉजी भी इन्वॉल्व है उसमें हमारे शरीर की. एंड अ बिहेवियरल और एक्सप्रेसिव रिस्पॉन्स, मतलब हमने जो रिस्पॉन्स दिया उसका एक्सप्रेशन किस फॉर्म में आया. तो अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हल करते हैं MCQs में, तो इस तरह के सवाल बन जाते हैं कि इमोशनल एक्सपीरियंस के कौन से तीन कंपोनेंट है, या कौन से कंपोनेंट है, या कौन सा कंपोनेंट इमोशनल एक्सपीरियंस का नहीं है. तो ये बातें हमको यहाँ से पिक कर लेनी चाहिए कि तीन कंपोनेंट इसके होते हैं, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स एंड बिहेवियरल और एक्सप्रेसिव रिस्पॉन्स. देन इमोशनल साइकोलॉजिस्ट पॉल इकमैन ने 6 बेसिक इमोशन हमको आइडेंटिफाई करके बताए कि यही 6 बेसिक इमोशन है, बाकी सब इसी से जुड़े हुए हैं. कौन कौन से बताए? सैडनेस, हैप्पीनेस, फियर, एंगर, सरप्राइज एंड डिसगस्ट. तो कभी कभी ये भी सवाल पूछा जाता है कि कौन से 6 बेसिक इमोशंस हैं, या कितने बेसिक इमोशंस की बात की गई है. तो आपको पता होना चाहिए कौन से हैं, या इनमें से कौन सा बेसिक इमोशन नहीं है. तो सैडनेस, हैप्पीनेस, फियर, एंगर, सरप्राइज एंड डिसगस्ट, ये होगा. लेकिन फिर 1980 में रॉबर्ट लुच्चिक एक साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने हमको 8 बेसिक इमोशन बताए. लेकिन उन्होंने किस तरह से बताए हैं? एक्सट्रीम एंड पे, मतलब जैसे जॉय है, मतलब हैप्पीनेस के साथ सैडनेस, इस तरह से बताया. मतलब एक एक्सट्रीम एंड, दूसरा एक्सट्रीम एंड, तो 4 उन्होंने लिए और उसके 2-8 हो गए, 2 एंड पे जाने की वजह से. देन मोर रिसेंटली, जो एक हमको रिसेंट स्टडी मिली है, अ न्यू स्टडी फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस एंड साइकोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो इन 2014, यानी कि अभी रिसेंट की स्टडी है. ये क्या कहती है? फाउंड दैट इंस्टेड ऑफ 6, यानी कि 6 की बजाय देयर मे ओनली बी 4, केवल 4 हो सकते हैं इजिली रिकॉग्नाइजेबल बेसिक इमोशंस, जिसको कि हम कह सकते हैं कि बेसिक इमोशंस हैं और आप इजिली फेस से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि जो आपका फियर और एंगर है, सॉरी सरप्राइज और डिस्गस्ट है, इनके जो वो है क्या एक्सप्रेशन, वो लगभग सेम है, फियर एंगर के लगभग सेम है. तो इनको फियर ऑब्लिक एंगर और सरप्राइज ऑब्लिक डिस्गस्ट कर दिया है. तो सैडनेस, हैप्पीनेस, फियर ऑब्लिक एंगर, सरप्राइज ऑब्लिक डिस्गस्ट, तो ये 4 हो गए.
ओके तो ये तो इमोशंस का साइंस रहा, जिसको कि हम लेमैन में जनरली बस ऐसे कि खुश हैं या दुखी हैं या हम चकित हैं या विह्वल हैं, जो भी समझते हैं, लेकिन उसके पीछे भी न्यूरो साइंस, और अब तो न्यूरो साइंस ने बहुत प्रगति कर ली है। अब देखते हैं इमोशनल डेवलपमेंट क्या है। इमोशनल डेवलपमेंट क्या समझे हम इमोशनल डेवलपमेंट से? इमर्जेंस ऑफ द एक्सपीरियंस, कोई अनुभव उद्भव हो रहा है, एंड रेगुलेशन ऑफ इमोशंस, और जो हमारे इमोशंस है वो रेगुलेट होते हैं कब से? फ्रॉम बर्थ, जब से हम पैदा होते हैं, जब से हमें जीवन मिला है, एंड द ग्रोथ एंड चेंज इन दोज कैपेसिटीज, और हमारी वृद्धि होती है, हमारा परिवर्तन होता है किसमें? उन क्षमताओं में। कौन सी क्षमताएं? जो इमोशंस की क्षमताएं हम रखते हैं अपने पास थ्रू आउट चाइल्डहुड, बचपन से लेके एडोलेसेंस किशोरावस्था तक, एंड एडल्टहुड, और जब तक हम वयस्क हो जाते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस अकर्स इन कंजंक्शन विद, मतलब ये अकेला कोई वैक्यूम में परिवर्तन नहीं हो रहा है, बल्कि इन कंजंक्शन विद न्यूरल, हमारा न्यूरल बैकग्राउंड्स के लिए जिम्मेदार है, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, एंड बिहेवियरल मतलब व्यवहारात्मक विकास इसके साथ हो रहा है, एंड इमर्जेंस विद इन ए पर्टिकुलर सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट। और कैसे ये उद्भव होता है? इसका एक पर्टिकुलर सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट है, मतलब हमारा समाज और हमारी संस्कृति ये सुनिश्चित करती है कि किस तरीके का इमोशनल डेवलपमेंट हमारे अंदर होगा या कौन सा सही है नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। ओके तो सोशल और कल्चरल कंटेक्स्ट भी इसमें आ जाएगा। देन इट इन्वॉल्व्स लर्निंग व्हाट फीलिंग्स एंड इमोशंस आर, इसमें और क्या आएगा कि जो फीलिंग्स हैं, जो हम फील करते हैं, जो इमोशंस हैं, वो क्या हैं, अंडरस्टैंडिंग हाउ एंड व्हाई दे अकर, ये समझना कि वो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, अपनी फीलिंग को पहचानना, रिकॉग्नाइजिंग वंस फीलिंग्स एंड दोज ऑफ अदर्स, और दूसरे को भी पहचानना, मतलब दूसरे की भी फीलिंग को पहचानना, एंड डिवेलपिंग इफेक्टिव वेज फॉर मैनेजिंग दोज फीलिंग्स, और ये भी हमको विकसित करना है अपने अंदर वो महत्वपूर्ण, वो प्रभावपूर्ण रास्ते जिनसे कि हम मैनेज कर सकें अपनी फीलिंग्स को। तो ये सब कुछ इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा। हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में जानते हैं, वो भी यही हमको बताता है कि अपना इमोशन समझना और दूसरे के इमोशन को भी समझना, वही चीज इसमें। देन अगर हम बात करें कि मेजर स्टेजेस, अगर हम बात करें कि इमोशनल डेवलपमेंट तीन मुख्य चरणों से होकर गुजरता है, तो वो मुख्य चरण कौन से होंगे? पहला है आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, कि हमको सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात, मूलभूत बात क्या है कि पहले हम पहचान करेंगे और फिर समझेंगे इमोशंस को अपने, उसके बाद मैनेजिंग ओन इमोशंस। जब हम इस स्टेज को क्रॉस करेंगे तो हम किस स्टेज पे पहुंचेंगे कि हम मैनेज करने लायक हो जाएंगे इमोशंस को। एंड देन द लास्ट स्टेज इज इम्पैथी एंड रिलेशनशिप स्किल्स, मतलब हम तदनुभूति किसी के संग महसूस कर सकेंगे, और रिलेशनशिप स्किल्स। तो इसके भी दो दो इसके भी सब पार्ट्स हैं। आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग इमोशंस में क्या आएगा? रिकॉग्नाइजिंग एंड डिस्क्राइबिंग इमोशंस एंड अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, मतलब पहचान करना, विवरण दे सकना और समझना इमोशंस को। उसके बाद मॉनिटरिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन ओन इमोशंस, अपने इमोशंस को मॉनिटर करना कि हम क्या फील कर रहे हैं, उसको रिफ्लेक्ट करना और रेगुलेट भी करना, मतलब हर जगह हर समय हम कुछ भी इमोशन नहीं शो कर सकते, हमको रेगुलेट करना पड़ता है। देन स्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, हमारा जो कलीग है, हमारा जो पीयर ग्रुप है, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, उनके संग हमको एक पॉजिटिव रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना होता है, शोइंग एम्पैथी फॉर द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, अगर कोई दुखी है तो हम कैसा इमोशन शो करेंगे, हम हंस नहीं सकते वहाँ पे, हमको उसके संग एम्पैथाइज करना है, एंड सपोर्टिंग अदर्स, कोई दिक्कत में है तो उसकी मदद भी करनी है। तो ये सब कुछ इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आ रहा है। देन हम अब स्टेजेस से शुरू करते हैं, इन्फेंसी से शुरू करते हैं। शैशवावस्था में बालक है तो क्या होता है? प्रमोट्स द ट्रांजिशन फ्रॉम कंप्लीट डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, मतलब वो बालक इस वक्त किस स्टेज से गुजर रहा है? कंप्लीट डिपेंडेंसी केयर टेकर पे, माँ पे, जो उसकी कंप्लीट डिपेंडेंस है उससे वो धीरे धीरे ऑटोनॉमी की तरफ जा रहा है, स्वायत्तता की तरफ जा रहा है। देन द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट प्रमोट्स एक्सप्लोरेशन एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि इसमें वो एक्सप्लोर भी कर रहा है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रहा है। देन इन्फेंट्स यूनिक टेंडेंसी टू एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेस पर्टिकुलर इमोशंस, एंड द थ्रेशोल्ड फॉर एक्सप्रेसिंग दोज इमोशंस इज यूजुअली रिफर्ड टू एज देयर टेम्परामेंट और कैरेक्टरिस्टिक इमोशनल, यानी कि जो उसकी यूनिक टेंडेंसी है, जो उसके संग विशिष्टता है कि वो कैसे एक्सपीरियंस करता है, कैसे एक्सप्रेस करता है पर्टिकुलर इमोशंस को, वो सब कुछ हम उसका टेम्परामेंट कह सकते हैं या कह सकते हैं कि ये इसके इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यहाँ पे इन्फेंसी और यहाँ पे हम बच्चा कुछ ही इमोशंस शो करता है, जैसे सैडनेस, हैप्पीनेस कुछ हद तक,
सोशल स्माइल होती है उसके पास इस स्टेज में. देन अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, बहुत कुछ इसमें चेंजेस हो रहा है इमोशनल डेवलपमेंट के तहत. क्या क्या? ड्यू टू रैपिड मैच्यूरेशन ऑफ द फ्रंटल लोब्स एंड द लिम्बिक सर्किट इन द ब्रेन, यानी कि बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा है तो रिकॉग्निशन ऑफ द सेल्फ इमर्जेस, यानी कि स्व की अनुभूति उसके अंदर वो पहचान पा रहा है, स्व की अनुभूति हो रही है उसको. एज अ रिजल्ट फिर क्या होता है, द टॉडलर स्ट्राइव्स टू बिकम मोर इंडिपेंडेंट, बच्चा स्वतंत्र होना चाहता है, कहता है ना कि ये मैं खुद से कर लूंगा, ये मैं कर सकता हूँ. एंड द एक्सप्रेशन ऑफ एंगर एंड डिफियंस इंक्रीज इज दैट स्ट्रगल फॉर ऑटोनॉमी, और उस स्वायत्तता के संघर्ष में वो एंगर का एक्सप्रेशन सीखता है. इन्फेंसी में बच्चा एंगर का एक्सप्रेशन नहीं है उसके पास, यहाँ पे एंगर का रहा है क्यों, क्योंकि स्व का झगड़ा है. द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट द सेल्फ फ्रॉम अदर्स ऑल्सो प्रमोट्स बेसिक इम्पेथेटिक बिहेवियर एंड मॉरल अंडरस्टैंडिंग, चूंकि सेल्फ को हमको डिफरेंशिएट करना है दूसरे से, तो मोरालिटी भी यहाँ पे डेवलप होना शुरू हो जाती है. द इमोशंस दैट इमर्ज विद अ रुडिमेंट्री कंसेप्शन ऑफ द सेल्फ आर ऑफन कॉल्ड सेल्फ कॉन्शियस इमोशंस एंड इंक्लूड शेम, एम्बैरेसमेंट, गिल्ट एंड प्राइड. तो कौन से इमोशंस हैं जिनको हम सेल्फ कॉन्शियस इमोशंस कह सकते हैं? शर्म या एम्बैरेसमेंट की, ये क्या गलती हो गई मुझसे, या हमको कोई अपराध बोध है, या हमको एकदम प्राइड हो रहा है कि नहीं हमने बहुत बढ़िया काम किया है. तो ये सारे इमोशंस यहाँ पर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं. एज चिल्ड्रन एंटर प्री स्कूल दे बिगिन टू लेबल देयर ओन इमोशंस, और जैसे ही बच्चा प्री स्कूल में स्कूलिंग में एंटर करता है वो अपने इमोशंस को नाम देना सीख लेता है. देन मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड, स्टेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट्स बेस्ड ऑन द चाइल्ड्स टिपिकल इमोशनल एक्सपीरियंसेस इमर्ज. अब बच्चे में थोड़ा सा स्टेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट आ जाता है कि वो क्या है. द कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस ऑफ पैटर्न्स ऑफ सेल्फ कॉन्शियस इमोशंस हैज एन इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड्स सेल्फ कॉन्सेप्ट. जो सेल्फ कॉन्शियस इमोशंस का पैटर्न है वो मदद करता है उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट के डेवलपमेंट में. टू एक्सपीरियंस मल्टीपल मिक्सड इमोशंस लाइकली इमर्जेस विद द कॉग्निटिव कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन कॉल्ड डिसेंट्रेशन. मतलब इस वक्त इसके पहले तक बच्चा या तो दुखी है या खुश है या गुस्से में है या उसको कोई शर्म है या गिल्ट है या प्राइड है, लेकिन यहाँ पर जब आता है तो वो मिक्स्ड इमोशंस मल्टीपल इमोशंस को एक्सपीरियंस करना सीख जाता है. जैसे कि वो दुख भी है, दुखी भी है, खुश भी है. जैसे किसी उसका उसके किसी अच्छे दोस्त का कहीं दूसरे जगह शहर में ट्रांसफर हो गया उसके पेरेंट्स का, तो वो जा रहा है तो वो किसी अच्छी जगह जा रहा है इस बात को सोच के खुश है, लेकिन उसको छोड़ के जा रहा है इस बात से दुख है, मतलब दुखी है. तो इस तरीके के एक्सपीरियंस, इस तरीके की सिचुएशन की हम फील कुछ कर रहे हैं, बताना कुछ है, कुछ इस तरीके का भी कॉम्प्लेक्स पैटर्न है ना. हम हमेशा वही तो नहीं एक्सप्रेस करते हैं जो हम फील करते हैं. तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पैटर्न यहाँ पे थोड़ा सा समझना डेवलप होना शुरू हो जाता है जब बच्चा मिडिल और लेट चाइल्डहुड में पहुंचता है, और इसको हम कहते हैं डिसेंट्रेशन की ये प्रोसेस है. देन एडोलेसेंस, इसको तो एकदम इमोशनल डेवलपमेंट का आप कह सकते हैं एकदम तो सबसे ज्यादा है यहाँ पर. क्या है? कम्स विद एन इंक्रीज्ड स्ट्रगल फॉर ऑटोनॉमी, इंक्रीज्ड टाइम स्पेंड विद पीयर्स एंड लेस टाइम स्पेंड विद फैमिली. यहाँ क्या हो रहा है, और ज्यादा संघर्ष है स्वायत्तता के लिए कि हम बड़े हो गए, हम कर सकते हैं, हम मतलब अब बच्चे नहीं रहे. और बच्चा जो है, जो एडोलेसेंट है, जो किशोर है, वो अपने दोस्तों के संग ज्यादा टाइम स्पेंड करता है और फैमिली के संग काम करता है. कहाँ पे? किशोर अवस्था में. देन दे बिकम लेस इमोशनली डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स. इस वक्त वो अपने माता पिता पर कम डिपेंडेंट है इमोशन के मामले में. बट दिस ऑटोनॉमी ऑफन इमर्जेस आफ्टर ए पीरियड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इंक्रीज्ड एक्सपीरियंस ऑफ नेगेटिव इमोशंस. लेकिन ये जो ऑटोनॉमी मिलती है, किस उस पर मिलती है उसको, कि बहुत द्वंद्व चलता है. देन वो बहुत एक्सपीरियंस करता है नेगेटिव इमोशंस, मतलब उसको डांट पड़ती है, उसको स्कोल किया जाता है, उसको कहा जाता है कि हाँ आप तुम क्यों अपने माता पिता की बात सुनोगे, अब तो तुम बड़े हो गए हो, ये वो बहुत सारी बातें उसे कही जाती हैं. तो ये बड़ा कन्फ्लिक्ट के बाद और नेगेटिव इमोशंस के एक्सपीरियंस के बाद उसको ये ऑटोनॉमी मिलती है. एंड यहाँ पे भी सेक्स के हिसाब से दिक्कत है, अंतर है. क्या है? गर्ल्स ऑफन एक्सपीरियंस ए लॉन्गर पीरियड ऑफ एलिवेटेड नेगेटिव इफेक्ट देन बॉयज. उनको और ज्यादा नेगेटिव एक्सपीरियंस बियर करने पड़ते हैं. इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, आप भी जानते हैं. एडोलेसेंट्स ऑफन एक्सपीरियंस इमोशनल डिस्ट्रेस इन रिस्पॉन्स टू एम्बिगुअस एंड इमेजिंड रोमांटिक एक्सचेंजेस एंड देयर कैपेसिटी टू एक्सपीरियंस कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स इमोशंस फर्दर प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग. देखिए क्या कहा जा रहा है कि इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से भी जुड़ा हुआ है, दोनों ये नहीं कि एकदम डिस्कनेक्टेड है. और हमको पियाजी क्या बताते हैं कि जब हम इस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में पहुंच जाते हैं, जब हम फॉर्मल ऑपरेशनल, उनका फॉर्मल ऑपरेशनल एडोलेसेंट में पहुंचता है, तो फॉर्मल ऑपरेशनल उनका क्या बताता है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग बताता है. यानी कि वहां पे जब एडोलेसेंट एज में बच्चा पहुंचता है तो उसकी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग शुरू हो जाती है.
यही बात यहाँ निकल के आ रही है कि उसको इतनी तरीके का रिस्पॉन्स है, इतनी तरीके का एक्सपीरियंस है, एम्बिगुअस है, इमेजिनेशन है, तो उसमें कॉम्प्लेक्स चीजों को वो समझने की कोशिश करता है, तो इस तरीके से अमूर्त चिंतन भी उसका शुरू हो जाता है, या आप कह सकते हैं कि अमूर्त चिंतन के विकास में मदद कर रहे हैं ये इमोशंस उसके। देन दे ऑफन सीक अ स्टेबल पीयर ग्रुप एज ए कॉन्टेक्स्ट फॉर इमोशनल मैनेजमेंट। जो अपने इमोशंस का डिस्टर्बेंस चल रहा है, जो टर्मोइल चल रहा है, जो स्ट्रेस चल रहा है, उसके मैनेजमेंट के लिए वो पीयर ग्रुप एक उसके पास होता है जिस पर वो रिलाई करता है। वो पीयर ग्रुप कोई भी हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, सिबलिंग हो सकते हैं। देन आइडेंटिटी डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एडोलेसेंस एज दे अप्रोच एडल्टहुड। जब हम एरिक इरिक्सन की साइकोसोशल थ्योरी पढ़ते हैं तो वो क्या कहते हैं, एडोलेसेंट एज कौन सी है हमारी, आइडेंटिटी वर्सेज रोल क्राइसिस की है। तो आइडेंटिटी हमको डेवलप हो जानी चाहिए एडोलेसेंट एज तक। अगर आइडेंटिटी डेवलप हो जाएगी तभी वो स्मूथली एडल्टहुड तक अप्रोच करेगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। देन अगर स्ट्रॉन्ग इमोशनल डेवलपमेंट हो गया तो 5 की स्किल्स स्टूडेंट में, लर्नर में डेवलप हो जाती है। कौन कौन सी? सेल्फ अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, इमोशनल रेगुलेशन, रेस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग। ये हम जानते हैं बहुत कुछ हद तक ये डेनियल गोलमैन के जो फ्रेमवर्क है उससे ये सिमिलर है। सॉरी, देन कंक्लूजन, अगर हम निष्कर्ष निकालना चाहें अपने अपने टॉपिक का, तो हम क्या कहेंगे कि neuroscience research has revealed, sorry, that just as children can be taught literacy and numeracy, neuroscience research ने ये साबित कर दिया है कि जैसे हम बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाते हैं, अंक का ज्ञान कराते हैं, अक्षर का ज्ञान कराते हैं, they can also be trained to develop emotional skills, उनको हम सांवेगिक कौशलों में भी विकसित कर सकते हैं। As a result, we can train developing minds right from early childhood to deal with stress and anxiety. ऐसा अगर कर पाएंगे तो क्या होगा कि वो बचपन से लेकर हम उसको डील कर पाएंगे, हम उसको ट्रेन कर पाएंगे कि वो जितना भी स्ट्रेस और एंग्जाइटी उसकी लाइफ में है उससे वो डील कर सके बेटर। देन इमोशनल लिटरेसी कैन बी टॉट टू चिल्ड्रेन, हम बच्चे को इमोशनल लिटरेसी भी सिखा सकते हैं, सो दैट दे मे बी अवेयर ऑफ डिफरेंट इमोशंस दैट दे एक्सपीरियंस एंड कैन लर्न हाउ टू मैनेज देयर ओन इमोशंस इन ए बेटर वे। हाँ, ये इन अ बेटर वे है, कहीं कहीं रह जाता है कभी कभी। तो हम इमोशनल लिटरेसी बच्चे को सिखा सकते हैं जिससे वो अपने इमोशंस को समझ सके, लेबल कर सके, मैनेज कर सके। ओके, तो इमोशनल डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जनरली अभी तक स्कूल्स में और इन जगहों पर उसको कम इम्फेसिस दिया जाता रहा है, सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर ज्यादा इम्फेसिस रहा है। लेकिन अब ये प्रूफ हो गया है कि अगर इमोशनली बच्चा स्टेबल नहीं होगा तो कॉग्निशन भी उसका ठीक डेवलप नहीं होगा, तो इमोशनल डेवलपमेंट भी उतना ही जरूरी है, आप कह सकते हैं ज्यादा जरूरी है। ओके, सो आई हैव कंप्लीटेड इमोशनल डेवलपमेंट टूडे। थैंक यू ऑल, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप 2। ओके, done from my side.